हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बाहर अब बारिश हो रही है तो थोड़ा सा आवाज़ इसमें आपको डिस्टर्ब करेगा, बट आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं अभी अंधेरे में क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि जब भी बहुत जोर की बारिश हो और बहुत ज़्यादा बिजली करके थंडर स्टॉर्म आए, तो सबसे जो सेफेस्ट प्लेस होता है वो होता है आपका कार। अगर आपके कार पे बिजली गिरता भी है तो अंदर में अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो दोस्तों जो चार्ज होता है वो आउटर बॉडी में फैल जाता है और अंदर जो बैठा रहता है उसको कुछ नहीं होता है। अगर कोई सॉलिड स्फीयर है तो जो उसका आउटर सरकमफ्रेंस होता है, जो एरिया होता है, उसी पे चार्ज रहता है, अंदर चार्ज नहीं आता है। तो इसीलिए कभी भी अगर कोई ऐसे जगह पे है जहाँ पे छुपने के लिए कोई जगह नहीं है, और पेड़ के नीचे तो कभी भी नहीं, पेड़ के नीचे अगर आप छुपते हैं तो वो बहुत ही डेंजरस होता है, वो उसी पे गिरेगा और साथ में आपको भी ले डूबेगा। तो जो सबसे बेस्ट प्लेस होता है, अगर थंडर स्टॉर्म, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म आ रहा था तो मैंने सोचा कि भाई अब कार में ही बैठ जाता हूँ और उसके बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कम्प्लीटली ये डार्क है और अभी लाइट भी नहीं है। लाइट आई थी वो भी चली गई, करंट भी नहीं है और बहुत ही तेज़ की बारिश हो रही है और बीच बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे एक्चुअली मतलब इतना तेज़ होता है ना कि आदमी मतलब लगता है कि घर पे ही गिर जाएगा। तो इस तरह के कंडीशन में अगर कहीं छुपने के लिए कोई जगह नहीं है तो जो बेस्ट प्लेस होता है वो होता है आपका कार। तो मैं अभी यहीं पे हूँ और बहुत तेज़ की बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बीच बीच में बिजली कड़क रही है, ये देखिए। और अगर मैं वाइपर चलाऊँ यहाँ पे, मैं वाइपर चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए वाइपर मैं अगर चलाऊँ तो ये भी, ये देखिए क्लीन नहीं कर पा रहा है। और मैं अगर लाइट जलाऊं, ये देखिए कुछ भी बाहर पता नहीं चल रहा है और अंदर से भी ये फॉग हो गया है। ये देखिए बहुत तेज़ की बारिश हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको देना चाहता था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी अगर आप भी इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में होंगे तो आप इसको यूज कर सकेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। और पता नहीं ये बारिश कब ख़त्म होगी, और अगर आप बारिश का मज़ा लेना चाहते हैं तो मैं इसका फ्लैशलाइट ऑफ कर देता हूँ और तब जो बिजली चमकेगी आपको दिखेगा। और अभी करंट भी नहीं है। मैं हूँ कार के अंदर और बाहर का कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ही तेज़ बिजली और थंडर स्टॉर्म।
आज रात मैं मोस्ट प्रोबेबली कार के अंदर ही सोने वाला हूँ, और अगर आप बहुत देर तक कार के अंदर हैं तो विंडोज़ को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए तो फ्रेश एयर बाहर से आना चाहिए।